वेल हैलो अरेवन द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज लेटर डिस्कशन कि हमें लेटर कैसे लिखना है राइटिंग टास्क वन आइल्स जनरल के लिए और आप ही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मयंक सर इंग्लिश क्लासेज जिस पर डेली वीडियोज़ अपलोड होते हैं फ्री कंटेंट अवेलेबल है एंड पेड कोर्सेज भी हैं तो एज पर रिक्वायरमेंट आप अपना फुलफिल uh, कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लर्निंग के लिए देखो तो ये हमारा लेटर है आज का यू हैव अर फ्रेंड हु लिव्स इन अ सिटी अब्रॉड You have यू हैव डिस दैट यू वुड लाइक to do a course at one of the colleges in his in this city. So देखो आपका एक फ्रेंड है जो कि अब्रोड सिटी में रहता है यानी कि आउट ऑफ द इंडिया आउट ऑफ द कंट्री है ठीक है यू हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन सिटी अब्रॉड यू हैव डिस यू वुड लाइक टू अप्लाई टू डू कोर्स एट ऑफ द कॉलेजेस इन दिस सिटी और आपको वहाँ से कोर्स करना है अब आपको लेटर लिखना है राइट अ लेटर टू तो यूर फ्रेंड इन द लेटर एक्सप्लेन वॉट यू वुड लाइक टू डू आपको क्या कौन सा कोर्स करना है उसको बताओ आप एक्सप्लेन वाट कैंड ऑफ वर्क और स्टडीज़ यू हैव बिन डूइंग फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स आपने कौन सी पढ़ाई की है पिछले कुछ समय में आस्क फॉर असिस्टेंस इन कंटेक्टिंग एंड अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन और आपने हेल्प मांगनी है कि आप वहाँ के कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को कॉन्टेक्ट कर सकें तो देखो लेटर की रिक्वायरमेंट क्या है सबसे पहले क्या है हमें लेटर को ठीक से समझ लेना चाहिए लेटर आपको एक फ्रेंड को लिखना है जो कि एब्रॉड सिटी में रहता है और आपको वहाँ पे कॉलेज के लिए अप्लाई करना है और लेटर मस्ट कवर दी थ्री पॉइंट्स कि आपको क्या करना अच्छा लगेगा आ, वहाँ पर एंड आपने क्या क्या स्टडी की है पिछले समय के अंदर एंड आपको वहाँ पे कोई असिस्टेंस चाहिए यानी कि अगर हेल्प चाहिए हो तो आपको वो इन इनकॉन्टेक्टिक इन कॉन् टेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन कि वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है उसको कॉन्टैक्ट करने में आपको फ्रेंड से हेल्प मांगनी है आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना आपको वहाँ पे हेल्प मांगनी है तो ये आपको पॉइंट्स कवर करने हैं अब देखते हैं लेटर का बिगनिंग कैसे लिखना चाहिए हमारे को लेट स्टार्ट सो so, देखो ये अब एक फॉर्मल इन सेमी फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है तो यहाँ पे हमने डियर लिखा है देखो यहाँ पर डियर अनीता नाम लिख दिया आपने कॉमा सॉरी आई हैवेंट रिटर्न टू यू फॉर एजेस मैंने कई सालों से या काफ़ी लंबे समय से आपको लिखा नहीं है फॉर एजेस का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय से मैंने काफ़ी लंबे समय से आपको कुछ लिखा नहीं है आई हैव बिन सो बिजी ओवर द लास्ट ईयर एंड आई नवर सीम टू हैव अ मिनट टू माई सेल्फ कि मैं इतना समय था पिछले समय से कि मेरे पास खुद के लिए भी एक मिनट नहीं था तो ये बिगनिंग हमारा है एक बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं सॉरी आई हैवन रिटर्न टू यू फॉर एजेस आई हैव बिन सो बिजी अब दास्ट लास्ट ईयर एंड आई नैवर सीम टू हैव अ मिनट टू माई सेल्फ आई वुड लाइक टू स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर अरे देखो मुझे क्या पसंद है मैंने कोर्स बता दिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स मुझे करना पसंद होगा इलेक्ट्रिकल का ई हम कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे कोई भी कोर्स वगैरह होगा उसके जो बिगनिंग लेटर्स uh, होते हैं वो आपको कैपिटल लिखने हैं एट यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर एंड आई होप यू कैन गिव मी सम एडवाइस आई थिंक आई वुड प्रेफर मेलबर्न बिकॉज आई नो अ फ्यू पीपल फ्रॉम माई विजिट लास्ट ईयर दिस इज दिस ईयर आई एम डूइंग मैथ्स एंड फिजिक्स एट स्कूल एंड आई होप टू डू वेल इन माई एग्जाम However, I really do not know which university to apply to, and so could you send me some information about different colleges? Also, can you find out what qualifications I need? For instance, and as an overseas student, do I have to take an English test? <laughs> तो कोई यहाँ पर आपने क्या बताया? यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन बता दी। आपकी जो इस साल आपने स्टडी की है, मैथ्स एंड फिजिक्स आपने कवर की है। और आपको लग रहा है कि आप एग्जाम में अच्छा करेंगे एंड हाउ एवर आई रियली नॉट नो विच यूनिवर्सिटी टू अप्लाई टू अब आपने यहाँ पे हेल्प भी मांग ली असिस्टेंस भी मांग ली आपने तो देखो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी आपको बताना है कि आपको वहाँ पर करना क्या है दूसरा क्या है आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं और तीसरा आपको असिस्टेंस मांगनी है देखो इसको बोलते हैं टास्क रिस्पॉन्स इसको क्या बोलते हैं टास्क रिस्पॉन्स यानी कि जो जो काम आपको कहा गया है लेटर में कवर करने के लिए वो सब के सब पॉइंट्स आपको कवर करने हैं तो यहाँ पर आपने तीनों के तीनों पॉइंट कवर कर लिए हैं सबसे पहले आपने बता दिया है कि आपने क्या करने का पसंद है आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पसंद है और एट यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया और आपको लग रहा है कि आपको कोई एडवाइस भी मिल सकती है उसके बाद आपने ये भी बता दिया कि आप अभी मैथ्स एंड फिजिक्स कर रहे हैं एट स्कूल और आपको हेल्प चाहिए क्योंकि आपको ज़्यादा मालूम नहीं है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या किस कॉलेज में करना है उसको लेकर आपने हेल्प भी मांग ली है देखो सब के सब टास्क हमने अचीव कर लिए हैं अब हम क्या कर रहे हैं जो साइनिंग ऑफ करने लेटर को मैनी थैंक्स एंड आई होप यू डू नॉट माइंड डूइंग दिस फॉर मी भी आ, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये करने में इट इज़ मच बेटर टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सम वन हॉल्स इन द कंट्री सो आई होप टू हियर फ्रॉम यू सून इट्स मच बेटर टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सम वन मीन्स जो वहाँ पर रह रहा है वो आपको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता है सो आई होप टू हियर फ्रॉम यू वेरी सोन कि जल्दी ही आपसे सुनने को कुछ मिलेगा मैनी थैंक्स रोजाना तो देखो तो इस तरह से आपने कम्प्लीट सारे से टास्क अचीव कर लिए अब हम कम्प्लीट लेटर को एक ही साथ पढ़ते हैं सबसे पहले बिगिनिंग है सॉरी आई हैवंट हीयर रिटर्न टू यू फोर एज इज आई हैव बिन सो बिजी ओवर लास्ट ईयर एंड आई सीम to have a minute to myself i would like to study electrical engineering at a university in australia next year and i hope you can give me some advice i think i would prefer melbourne because i know a few people from my visit last year this year i'm doing maths and physics at school and i hope to do well in my exams however i really do not know which university to apply to so could you send me some information about different colleges also can you find out what qualifications i need for instance

ऐसे और सारे वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं मयंक सर इंग्लिश क्लासेस और इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ तो ये आपको यूज़फुल होगा आगे के एग्जाम के लिए थैंक यू